अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ स्टाइल विद रुपया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लाई हूँ तंदूरी चिकन की मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन लिया था, थाई पीसेस और लेग पीसेस मैंने लिए थे और इसके अंदर इसको कट कर लगा लिए थे ताकि मेरा जो मसाला जो मैं बनाऊँगी इसके अंदर अच्छे से वो रच जाए। तो वन बाई वन मैंने इस पीसेस के अंदर जो है वो कट्स लगा लिए थे। तो अब बारी थी मैरिनेशन के लिए जो है वो सीजनिंग उसकी रेडी करने की। तो मैंने यहाँ पर गार्लिक जिंजर की पेस्ट ली थी और उसके अंदर मैं योगर्ट ऐड कर रही थी। 2-3 टेबलस्पून मैंने योगर्ट इसके अंदर ऐड किया था। तो अब बारी थी स्पाइसेस की। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो है वो तंदूरी मसाला ऐड किया था। तो तंदूरी मसाला जो है मैं प्रोडक्ट शान के ही यूज़ करती हूँ। उनके स्पाइसेस बहुत मज़े के होते हैं, बहुत अच्छे फ्लेवर्स होते हैं इनके। तो 2-3 टेबलस्पून मैंने तंदूरी मसाला जो है वो इसके अंदर ऐड किया था और मैं अदर स्पाइसेस भी इसके अंदर ऐड कर रही थी, तो इसलिए जो मैंने उसकी क्वान्टिटी कम रखी थी। तो यहाँ पर मैंने पेपरिका पाउडर थोड़ा सा ऐड किया था। पेपरिका पाउडर से जो है वो मिर्च तेज़ नहीं होगी लेकिन कलर और फ्लेवर अच्छा सा आएगा। मैंने 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड किया था, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर ऐड किया था, इससे भी अच्छा सा कलर आएगा उसका इंशाल्लाह। और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड किया था। और सिमिलरली मैंने इसके अंदर जो है वो 1/2 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर और गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर एंड अनियन पाउडर भी 1/2 टीस्पून लिया था और उसको अच्छे से भी मिक्स कर लिया था। मैंने तकरीबन 1.5 केजी जो है वो चिकन लिया था। आप चाहें तो इस रेसिपी को जो है वो रेडी करके फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपके घर अचानक से कोई गेस्ट आते हैं या फिर आपको जो है वो क्रेविंग होती है कुछ स्नैक्स की, तो ये बहुत अच्छी आपके लिए एक स्नैक भी बन सकती है। आप इसको सिंपली जो है वो डिफ्रोस्ट करें निकाल के और उसको बेक कर लें या फिर एयर फ्रायर में फ्राई कर लें। और आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं और इसको आप जो है वो फ्राई पैन के अंदर जो है वो उसको भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एयर फ्रायर के अंदर बना रही थी। तो सब मैंने स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर लिए थे और अब मैं जो है वो सारे स्पाइस जार्स जो है उसको बाकी स्पेस के अंदर जो है वो वर्क रही थी ताकि मेरे पास जो है वो शेल्फ क्लीन हो जाए और मुझे रेसिपी के अंदर डिस्टर्बेंस फील नहीं हो। तो यहाँ पर सब मैंने जार वापस रख दिए थे और मैंने अपने जो वो योगर्ट का मिक्सचर था उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, एक सिंपल और स्मूथ मिक्सचर ताकि किसी भी चीज़ की कोई जो है वो लम्स उसके अंदर नहीं हो, उसको अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ज़रदा रंग ऐड किया था ताकि मेरे पास तंदूरी का अच्छा सा रेडिश और ऑरेंज सा कलर जो है वो इंशाल्लाह मिले। तो ये ऑप्शन है, अगर आप ऐसा कलर चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। तो योगर्ट का मिक्सचर जो है वो रेडी था और अब बारी थी इसको कोट करने का चिकन पीसेस के ऊपर। अगर आपको जो है वो जल्दी है तो आप मिनिमम जो है 2-3 आवर्स जो है इसको मैरिनेट करके रखें चिकन को, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 6-7 आवर्स पहले मैरिनेट करके रख लें। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि आप उसको फ्रीज़ कर सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पे आप इसको निकाल के जैसे चाहें आप यूज़ कर सकती हैं। आप सेम रेसिपी जो है वो रेडी करके चिकन तंदूरी बिरयानी भी आप रेडी कर सकती हैं, तो इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पर मैंने जो है वो चिकन को अच्छे से जो है वो मसाले के अंदर जो है वो मिक्स कर लिया था और उसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। आफ्टर 2-3 आवर्स जो है मैंने इसके अंदर से कुछ पीसेस जो हैं वो अपने अकॉर्डिंगली जो है वो फ्राई किए थे, बाकी का मैंने फ्रीज़ कर दिया था। मैंने इसके अंदर 1-2 टेबल स्पून जो है वो ऑलिव ऑयल भी ऐड किया था। आई थिंक मैं वो उसको स्किप करती हूँ, वीडियो के अंदर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया।
तो आप वो लाजमी ऐड कर लें, क्योंकि मैं इसको एयर फ्रायर के अंदर जो है वो फ्राई करती हूँ, तो उस ये फिर मैं मैरिनेशन के अंदर ही ऑयल ऐड कर देती हूँ, तो वो फिर आपका बहुत जूसी और आपका बनता है। यहाँ मैंने जो है वो चिकन को एयर फ्रायर में रख दिया था और 15 to 20 मिनट्स के लिए मैंने जो है वो एयर फ्रायर को जो है वो लगाया था। ये देखिए मज़े का चिकन तंदूरी रेडी हो गया था। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। दुआ में बहुत याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।